बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द हंट्समैन विंटर्स वॉर। ये कहानी स्नो व्हाइट की कहानी से पहले की कहानी है, जब स्नो व्हाइट का जन्म भी नहीं हुआ था। उस वक्त दी क्वीन रवेना एक राजा की बीवी होती है, वो उसके साथ चेस खेल रही होती है। ये एक जादुई चेस होता है और जैसे राजा चेस में हारता है उसकी मृत्यु हो जाती है। रवेना की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम फ्रेया है। वो एक अच्छे दिल की इंसान है पर अभी तक उसे अपनी जादुई शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसे नहीं पता कि उसके अंदर कौन सी जादुई शक्ति है। वो एंड्रयू नाम के एक लड़के से प्यार करती है। एक दिन रवेना उसे देखकर कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम शायद एंड्रयू के बच्चे की माँ बनने वाली हो, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा क्योंकि उसकी मंगनी हो चुकी है। लेकिन फ्रेया अपनी बड़ी बहन की बात पर विश्वास नहीं करती। कुछ ही महीनों के बाद उसकी एक बेटी होती है और एक दिन उसे एंड्रयू का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि वो दोनों के दोनों हमेशा के लिए अपनी बेटी को लेके यहाँ से दूर चले जाएंगे। तुम आज रात को मुझसे मिलने बागीचे में आना। फ्रेया रात को जब बागीचे में मिलने एंड्रयू से जाती है तो एंड्रयू उसके कमरे में आता है जिस कमरे में उसकी बेटी होती है और वो उस कमरे को आग लगा देता है जिससे उसकी बेटी मर जाती है। फ्रेया जब उस जगह आती है तो गुस्से से भर जाती है और उसकी छुपी हुई शक्तियां जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था वो बाहर आ जाती है। दरअसल उसके अंदर बर्फ को कंट्रोल करने की पावर है जिससे वो एंड्रयू को जमा कर मार देती है। फ्रेया इसके बाद अपनी बड़ी बहन को छोड़कर उत्तर चली जाती है जहाँ वो अपना खुद का राज्य बनाती है और उत्तर में अब हर कोई फ्रेया के नाम से कांप उठता है। वो यहाँ लोगों को मार देती है और उनके बच्चों को अपने किले में ले आती है ताकि वो उन्हें योद्धा बनाए और बाकी सभी राज्यों को जीत ले। वो सबको बताती है कि मेरे राज्य का सिर्फ एक ही रूल है कि यहाँ पर कोई भी प्यार नहीं कर सकता क्योंकि प्यार नाम की चीज़ इस दुनिया में नहीं होती। प्यार सिर्फ एक धोखा है। उसने खुद प्यार में धोखा खाया है इसीलिए उसका प्यार से विश्वास उठ चुका है। और अब इन बच्चों को युद्ध की कलाएं सिखाई जाती है। इनमें एरिक हंट्समैन और सारा भी होती है जो दोनों ही अपनी कलाओं में बहुत माहिर होते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। पर फ्रेया के राज्य में प्यार करना सबसे बड़ा गुनाह है। एक रात को जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो सारा एरिक हंट्समैन के गले में अपनी माँ का लॉकेट बांधती है और कहती है कि अब हमारी शादी हो चुकी है। ये दोनों फैसला करते हैं कि ये फ्रेया के राज्य से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। पर इससे पहले कि यहाँ से जाते फ्रेया को इनके बारे में पता चल जाता है। फ्रेया इन्हें कहती है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे योद्धाओं को हराना पड़ेगा। ये दोनों मान जाते हैं और अब फ्रेया के योद्धाओं से लड़ते हैं। ये दोनों अपनी कलाओं में बहुत माहिर होते हैं इसीलिए एक एक करके ये फ्रेया के सभी योद्धाओं को हरा देते हैं। पर इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे के पास आते फ्रेया अपने जादू से इन दोनों के बीच में बर्फ की दीवार खड़ी कर देती है और तभी पीछे से आकर कोई सारा को चाकू मार देता है। एरिक हंट्समैन चाहकर भी उस तरफ नहीं जा पाता, वो सिर्फ उसे मरते हुए देखता है। एरिक हंट्समैन उस बर्फ की दीवार पर कई पंचेस मारता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। तभी कोई पीछे से उसके सिर पर वार करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फ्रेया कहती है कि इसे मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाओ और एरिक हंट्समैन को बहती हुई नदी में फेंक दिया जाता है। इसके बाद बताया जाता है कि 7 साल बीत चुके हैं। ये वही 7 साल होते हैं जिसकी कहानी हमने फर्स्ट पार्ट में सुनी थी जहाँ पर स्नो व्हाइट एरिक हंट्समैन और विलियम की मदद से क्वीन रवेना को मारकर रानी बन गई थी। लेकिन अभी भी क्वीन रवेना का जादुई शीशा वहीं पर होता है जो बार बार स्नो व्हाइट को अपने पास बुलाता है। इससे उसकी दिमागी हालत खराब होने लगती है इसीलिए वो आदेश देती है कि इसे सेंचुरी में छोड़ दिया जाए। सेंचुरी वही जगह है जहां पर बौने उसे ले गए थे, जहां पर परिया है। उस जगह पर इस मिरर की शक्तियां काम नहीं करेंगी। पर जब उसके सैनिक इस मिरर को उस जगह ले जा रहे होते हैं तभी उस जादुई मिरर से आवाज आना शुरू हो जाती है। घोड़े भी हिन ने लगते हैं और वो मिरर गिर जाता है। इसके बाद वो मिरर उस जगह से गायब हो जाता है और अब विलियम जिसने स्नो व्हाइट से शादी कर ली है वो एरिक हंट्समैन के पास जाता है। वो हंट्समैन से कहता है कि रवेना के मरने के बाद भी मिरर की काली शक्तियां ज्यों की त्यों थी और जब उसे सेंचुरी ले जाया जा रहा था तो वो मिरर अचानक से कहीं गायब हो गया। हंट्समैन अपने पीछे रखी हुई कुल्हाड़ी को पकड़ता है और पेड़ पर बैठे हुए बर्फीली उल्लू को मार देता है। उसे पता है कि ये फ्रेया का उल्लू है और अब फ्रेया को भी जादुई मिरर के बारे में पता है कि वो गायब हो चुका है। वो एरिक को कहता है कि फ्रेया से पहले हमें उस मिरर को ढूंढना होगा। अगर फ्रेया के हाथों मिरर लग गया तो उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और वो इस पूरी जगह को बर्फीला बनाकर अपना कब्जा कर लेगी। और अब हंट्समैन
दो बहनों के साथ उस मिरर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उस जगह जाता है जहां से वो मिरर गायब हुआ था, जहां पर सारे सैनिक मरे हुए होते हैं। इन सब ने एक दूसरे को मार दिया होता है। अभी तीनों के तीनों एक बार में जाते हैं जहां पर फ्रिया के कुछ सिपाही इन पर हमला कर देते हैं, पर एरिक हंट्समैन उनका सामना नहीं कर पाता। इससे पहले कि वो हंट्समैन को मारते, यहां पर एक नकाबपोश आता है जो फ्रिया के सभी सैनिकों को मारकर यहां से भगा देता है। और अब जब वो नकाबपोश अपना नकाब हटाता है तो इसके पीछे एरिक हंट्समैन की पत्नी सारा होती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सारा उसके पास आती है, उसके सिर पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। हंट्समैन को जब होश आता है तो उसके सामने सारा होती है, जो उसे बताती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। आज से 7 साल पहले जब हमारे बीच में फ्रिया ने बर्फ की दीवार खड़ी कर दी थी तो तुम उस जगह से भाग गए थे, जिस वजह से फ्रिया ने मुझे बंदी बना लिया। 7 साल तक मैं उसकी कैद में थी, पर जब मैं कैद से भागी तो मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था तुम्हें ढूंढना। दरअसल फ्रिया ने अपने जादू से इन दोनों के दिमाग को भ्रमित किया था। उसने सारा को दिखाया था कि हंट्समैन भाग गया, और हंट्समैन को दिखाया था कि सारा को फ्रिया के आदमी ने मार दिया। हंट्समैन ये सारी बातें सारा को बताता है, हालांकि वो उसे छोड़ देती है, लेकिन उसे अब भी उस पर विश्वास नहीं है। अगली सुबह चारों के चारों उस मिरर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, और तभी ये जाल में फंस जाते हैं जो दो ड्वार्फ लेडीज ने लोगों को लूटने के लिए लगा रखा होता है। हंट्समैन उन्हें हीरा देता है, इसीलिए वो सब को नीचे उतार देते हैं। एरिक हंट्समैन उनसे मिरर के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि कोई भी चमकने वाली चीज गॉब्लिन अपने जंगल में ले जाते हैं, और इसके बाद ये सब के सब गॉब्लिन के जंगल में जाते हैं, जहां पर इन्हें वो मिरर दिख जाता है। पर इससे पहले कि मिरर को उठा के जाते, वहां पर गॉब्लिन आ जाता है। एरिक हंट्समैन उसका सामना करता है, सारा भी उसका साथ देती है। और लड़ाई के दौरान सारा देखती है कि उसके गले में आज भी वो नेकलेस है जो उसने उसे आज से 7 साल पहले पहनाया था। वो समझ जाती है कि एरिक हंट्समैन जो भी उससे कह रहा था वो सच है। वही चारों डॉर्फ यानी कि चारों बौने उस जादुई मिरर को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। पर अब यहाँ पर और भी बहुत सारे गॉब्लिन्स आ चुके हैं। वो एरिक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सारा दूर से तीर चलाकर कई गॉब्लिन्स पर आग लगा देती है, जिससे सब के सब भाग जाते हैं। और अब सारा और एरिक हंट्समैन पहले की तरह एक हो जाते हैं। ये दोनों पति पत्नी हैं। सारा के दिमाग में जितने भी डाउट्स थे वो सब के सब दूर हो चुके हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि यहाँ पर फ्रेया अपनी आर्मी के साथ पहुंच चुकी है। एरिक हंट्समैन को यहाँ पता चलता है कि सारा भी उससे मिली हुई है। दरअसल 7 साल पहले जब फ्रेया ने सारा को विजन दिखाया था कि उसे छोड़कर हंट्समैन जा चुका है, तो इसके बाद वो उसकी वफादार बन गई। इसीलिए उसने जादुई मिरर को हासिल करने के लिए सारा को भेजा था। और अब फ्रेया सारा को कहती है कि तुम एरिक हंट्समैन को तीर मारो। सारा बिना सोचे समझे उस पर तीर चला देती है, और एरिक हंट्समैन की वही मृत्यु हो जाती है। फ्रेया, सारा और उसकी पूरी सेना यहाँ से निकल जाती है। उनके जाने के बाद जब बौने तीर निकालते हैं तो एरिक हंट्समैन होश में आ जाता है। सारा ने जानबूझकर तीर लॉकेट पर मारा था ताकि एरिक की जान ना जाए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो फ्रेया उसे मार देती। वहीं फ्रेया को महल में दिखाया जाता है जो आईने के सामने होती है। वो आईने से सवाल पूछती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है, और उसके सवाल पूछते ही उसके अंदर से रवेना बाहर निकल जाती है। वो कहती है कि जब मुझे स्नो व्हाइट ने मारा था तो मैं इस आईने के अंदर चली गई थी, मैं इसके अंदर कैद थी, पर जब तुमने सवाल पूछा कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है तो मैं आजाद हो गई, और अब हमें स्नो व्हाइट को हराकर उसके राज्य को हथियाना है। अगली सुबह फ्रेया अपनी आर्मी को, जिसे उसने बचपन से पाला है, उसे स्नो व्हाइट के खिलाफ तैयार कर रही होती है। तभी एरिक हंट्समैन यहाँ पहुंचकर फ्रेया के ऊपर तीर चलाता है, पर इससे पहले कि वो तीर फ्रेया को लगता, रवीना उसे पकड़ लेती है। उसे जिंदा देखकर वो समझ जाती है कि सारा भी उससे मिली हुई है। सारा फ्रेया पर हमला करती है लेकिन वो बच जाती है, और अब इन दोनों को फ्रेया के सिपाही पकड़ लेते हैं। लेकिन सारा और एरिक हंट्समैन इन्हीं के बीच में पले बड़े हैं, बचपन से साथ थे। हंट्समैन उन्हें बताता है कि प्यार ने मुझे शक्ति दी, आज जो कुछ हूँ मैं प्यार की वजह से हूँ, हमें बुराई के खिलाफ लड़ना चाहिए। पर तभी फ्रेया अपनी बहन के कहने पर इन दोनों को मारने का आदेश देती है, पर सिपाही उन्हें मारता नहीं बल्कि उनकी हथकड़ियां खोल देता है। रवीना को इस बात से गुस्सा आता है और वो सब पर हमला कर देती है। फ्रेया रवीना को ऐसा करने से मना करती है,
पर जब वो नहीं मानती तो वो अपने और अपने सैनिकों के बीच में एक ऊंची बर्फ की दीवार खड़ी कर देती है। रवीना को इससे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती कि आज जो कुछ तुम हो, मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारी शक्तियां मिली। ये सुनने के बाद फ्रेया को उस पर शक होता है और वो कहती कि मुझे सब कुछ सच बताओ। रवीना उसकी बात का जवाब नहीं देना चाहती। फ्रेया जानती है कि वो आईने से जुड़ी हुई है, उसकी आत्मा अभी भी आईने में है। वो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि आईने मुझे सब कुछ सच बताओ। और इसके बाद आईना उसे बताता है कि आज से कई साल पहले जब रवीना ने मुझसे सवाल पूछा था कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन, तो मैंने जवाब दिया था कि अभी तो तुम हो, लेकिन जब फ्रेया की बेटी होगी तो वही इस दुनिया में सबसे सुंदर होगी। इसीलिए फ्रेया ने एंड्रयू को, जिससे तुम प्यार करती थी, उसे अपने वश में कर लिया और उससे उसी की बेटी को, यानी कि तुम्हारी बेटी को मरवा दिया। फ्रेया सच जानने के बाद पूरी तरह से टूट जाती है और रवीना के ऊपर हमला करती है, लेकिन वो उसकी शक्तियों के आगे टिक नहीं पाती। यहाँ पर एरिक और सारा भी रवीना के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन उसकी जादुई शक्तियों के आगे उनके सारे प्रहार बेकार जाते हैं। तभी फ्रेया रवीना को गले से लगा लेती है और उसे बर्फ बनाकर मारने की कोशिश करती है। रवीना अपने अंदर से एक टेंटिकल निकालती है और अपनी बहन के शरीर के आर पार कर देती है। और अब एक बार फिर से एरिक रवीना के ऊपर हमला कर देता है। तभी फ्रेया जमीन पर हाथ लगाती है और उस आईने को, जिस आईने से रवीना बाहर निकली थी, उसे जमा देती है। एरिक ये देख लेता है। एरिक समझ जाता है कि रवीना की जान उसी में है। वो दूर से अपनी कुल्हाड़ी आईने की तरफ फेंकता है, जिससे वो उसमें गट जाती है। आईना बर्फ से जमा हुआ है, इसीलिए वो चकनाचूर हो जाता है और ठीक आईने की तरह यहाँ पर रवीना भी चकनाचूर हो जाती है। और इस तरह से रवीना का अंत हो जाता है। फ्रेया भी अपना दम तोड़ देती है और उसकी मृत्यु के साथ यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो सब के सब आजाद हो जाते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्नो वाइट अपने महल में खड़ी है और तभी उसके पास एक सोने का पंछी आता है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि वो कौन है। ये फिल्म ईयर 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।